एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ साड़ी के लिए क्यूट का बन हेयर स्टाइल। तो किस तरीके से आपको, सिर्फ साड़ी पे ही नहीं, आप इसको गाउन लहंगा सबके साथ बना सकते हो। वेडिंग में शादी पार्टी है तो आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डमी भी बता रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपको करना है। ऐसा मत सोचिएगा मैंने सिर को बहुत ज़्यादा हिलाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डमी को वीडियो को फास्ट किया है क्योंकि इसके बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे, सुलझाने में टाइम लग रहा था तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको फास्ट कर दिया, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है वीडियो। फिर मैंने अच्छे से बालों को सुलझा के एक रबड़ बैंड से अच्छे से टाइट कर लिया है। उसके बाद से मैं एक डोनट बन लूँगी। और कैसे कैसे करना है आप वीडियो में देख लो, सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। तो मैं यहाँ पे डोनट बन लेने चली गई थी, फिर डोनट बन मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ क्लिप्स वगैरह भी लाई हूँ। डोनट बन को लेके यहाँ पे एक क्लिप लगा दिया है, बट आपको हाफ हेयर लेना है यहाँ से इस तरीके से, ऐसे नहीं। डोनट क्लिप को निकाल दो, डोनट बन को अगेन लगा दिया मैंने। सोच रही थी मैं किस तरीके से बनाना है, तो फिर से अगेन डोनट बन को लगा के यहाँ से आपको क्लिप को रिमूव करना है एंड हाफ हेयर को लेना है और हाफ हेयर को डोनट बन के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए ध्यान से आधा हेयर हमने ले लिया है और इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब यहाँ पे डोनट बन को अच्छे से सिक्योर करेंगे, ऊपर वाले हेयर को फैलाते हुए 3-4 यूपिंग्स लगा देंगे, जिससे कि डोनट बन अच्छे से वहाँ पे अटैच हो जाए और निकले नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमने कर दिया है। अभी आपको हेयर की थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेनी है और इस तरीके से आपको डोनट बन पे लगाते जाना है, काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा। मैंने 2-3 यूपिंस और लगा दिए थे ताकि डोनट बन हमारा अपनी जगह से हिले नहीं। अब इस तरीके से सिंपली आपको हेयर को लेना है और इस तरीके से रखते हुए, देखिए इस तरीके से रखना है और यूपिन से सेट करते जाना है। तो लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यूपिन लगा दो जहाँ पे भी आप हेयर लेके आ रहे हो। फिर सेकेंड लेयर लेंगे और इसी तरीके से पूरा बन बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से घुमाया है, यहाँ पे एक यूपिन लगा दिया और एक यूपिन ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से यूपिन से इसको सिक्योर करते जाएंगे। ऐसे ही आपको हाफ डोनट को सिक्योर करना, काफ़ी प्यारा लगेगा ये और लगेगा बहुत, मतलब किसी प्रोफेशनल ने बनाया है बन आपका। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बहुत स्टाइलिश बन है, मेरे वीडियो चैनल पे आप देख सकते हो। बन है, हेयर स्टाइल है, ओपन के लिए हेयर स्टाइल है, छोटे वालों के लिए है, कॉलेज गर्ल्स वगैरह सबके लिए हेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से पूरे हेयर को करना है, बाकी आप देखो वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा।
तो आपने देखा किस तरीके से मैंने बनाया हेयर को, और नीचे के हेयर को सिंपल सी चोटी बना के ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के और अटैच कर दिया है। अभी जो साइड के हेयर बचे हैं उनका क्या करना है वो भी देख लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो यूपिन फ्लावर वाले यूपिन की मदद से, या फिर जो भी आपके पास हेयर डेकोरेटिंग पिंस हैं उनकी मदद से। और साइड के हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ट्विस्ट कर देंगे आपस में, और ऊपर की तरफ ले जाके पिन से सिक्योर कर देंगे यू पिन से। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, सिंपल से ट्विस्टिंग कर देंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। सॉरी ये निकल गया, दोबारा से कर देते हैं इसको। कुछ इस तरीके से फ्लावर वाला यूपिन था, इसको सेंटर में लगाएंगे और तीन चार छोटे वाले यूपिन लेके साइड साइड से राउंड में लगा देंगे, उससे आपका लुक और भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो आपको जैसे डेकोरेट करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो चार यूपिन लगाए हैं, और आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया और हेयर स्टाइल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऊपर व्हाइट कलर के यूपिन्स लगाए थे तीन चार, वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ सबसे पहले देख लीजिएगा। जो भी हेयर स्टाइल मैं बताती हूँ वो आप ट्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से मुझे बहुत दिक्कत होती है, डमी बार बार निकल जाती है, इसे मैंने डमी स्टैंड ऑर्डर किया, बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसपे मैं डमी को सेट कर दूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया करूँगी और प्रोफेशनल तरीके से आपको हेयर स्टाइल बताया करूँगी, जो भी हेयर स्टाइल में बारीकियाँ होती हैं सब कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ एक और ज़रूरी बात है, ये देखिए यहाँ पे है, हाँ तो ये गाउन जो मैंने पहना हुआ है इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है दूसरे वाले चैनल पे, अगर गर्मियाँ चल रही हैं समर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा। तो अगर आप गर्ल्स हो वुमेंस हो, घर में आप काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस ढूंढते हो, तो आप इस तरीके से इसको स्टिच करके पहन सकते हो। वीडियो पूरी वीडियो